पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को लाइन पार मंडल द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चौहान की अध्यक्षता और मंडल प्रभारी प्रिया अग्रवाल के निर्देशन में कार्यशाला आरंभ हुई। महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय मंत्री देवराज द्वारा पिछले 6 साल में हुए अंत्योदय प्रयत्न और हमारी कार्य पद्धति और संगठन संरचना में हमारी भूमिका विषय पर सार गर्भित तथ्य रखे गए। तत्पश्चात नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा भारत के सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग विषय के बारे में भी जानकारी दी गई। अंत में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की भूमिका के विषय पर बताया गया। पिछले 7 दशकों में भारत ने खाद्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विज्ञान, वैज्ञानिक कार्यबल और तकनीकी जानकारियों से कई क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल किया है। भारत ने इन क्षेत्रों में न केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि एक निर्यातक के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार सत्ता में आई है तभी से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने और रक्षा साजो सामान में आयात का प्रतिशत कम करने की प्राथमिकता दी जा रही है। रक्षा क्षेत्र में सरकार ने इसी के दृष्टि से रणनीतिक क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को अनुमति दी है। बैठक में महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, नथुराम कश्यप, कमल गुलाटी, संयोजक मुकेश भारद्वाज, हरीश भसीन, राजेश गुप्ता, दिनेश सिसोदिया, महामंत्री शिवेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेश सैनी, सर्वेश पटेल, विमल शर्मा, राहुल सेठी, विकल कुमार, दिनेश चौहान, राजन गुप्ता, जितेंद्र लोधी, नितिन सोनी गुप्ता, दिनेश कश्यप, अखिलेश ठाकुर, दीपक यादव, विजेंद्र सैनी, सुनीता सैनी, ज्योति बंसल, तुषार विश्वास, दिनेश शीर्षवाल, भावना गौड़, विनोद शर्मा, सुषमा सरन, रविंद्र गौतम, निशा चौहान, छत्रपाल सैनी, प्रीति कश्यप, राकेश शर्मा, रमेश सैनी, चंद्रशेखर सैनी, राजेश ठाकुर, दीपक सैनी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजीव सैनी, पवन शर्मा, मिथुन शर्मा, छोटेलाल सैनी, रीता कश्यप, प्रदीप पाठक और प्रमोद शर्मा, सुखदेव शर्मा, प्रेम शंकर सैनी, रामप्रकाश सैनी, कपिल देव, अरविंद, आलोक गुप्ता, शिवम ठाकुर, विजयपाल सैनी के साथ और भी लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे न केवल मंडल बल्कि बूथ के कार्यकर्ताओं से जब वो बात करते हैं तो आपका सम्मान और आपको कितना आत्मबल महसूस होता होगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वो जानते हैं इस बात के लिए, आपको आभास है कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन वो ही जानते हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाला जो हमारा कार्यकर्ता है वो सबसे सम्मानित है, वही हमारी पार्टी की नींव तैयार करता है, हमारी नीतियों को, हमारे काम को वहां तक पहुंचाता है। इसलिए जब कभी भी पार्टी के व्यवहार की चर्चा होती है तो बूथ के स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं का व्यवहार क्या है, क्योंकि उसका ही सीधा संपर्क आम लोगों से होता है। पुलिस अकेडमी में मैंने बहुत 20 साल पढ़ाया, IAS को भी, IPS को भी, DSPs को भी, कई बहस मुबहसों में साथ रहा, 40 साल उच्च शिक्षा में रहा, तो वहाँ कई बार ये बहस होती है कि पुलिस के स्तर पर मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता कहाँ है, तो वहाँ खूब चर्चा होती है कि भाई जो पुलिस का कांस्टेबल सीधे तौर पर आम जनता से संबंधित होता है उसके व्यवहार का प्रभाव सीधा आम लोगों पर पड़ता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।